नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव अब बेहद नज़दीक है, बहुत कम वक्त बचे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार का होड़ लगा है। आपको बता दें कि लगातार जो नेता आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी अपने उम्मीदवार हैं उनका प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, फिल्म स्टार हैं, वो अपने बेटे के रैली में पहुंचे और जनसभा का संबोधन करते हुए कहा कि जो लोग हमें और हमारे बेटे को बिहार से बाहरी बता रहे हैं, उन लोग को पता होना चाहिए कि मुझे भी पहले विरोधी जो हैं वो बिहारी बाबू ना कहकर बाहरी बाबू कहते थे, लेकिन मैंने बिहार की आन बान शान को बरकरार रखा। आगे बताते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य हैं और इस बार बिहार की जनता जो है भाजपा और नीतीश सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और इस बार तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। बड़े जोशीले अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि लव सिन्हा बिहारियों और साथ ही साथ राहुल गांधी के मांग पे बिहार आए हैं। शॉटगन ने कहा कि लालू जी बिहार के एकमात्र मास लीडर हैं और देश के नेता हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों काफ़ी होनहार हैं, वो बिहार बचाने और बनाने की बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी भुखमरी चरम पे है। कोरोना में हमारे मजदूर पैदल आ रहे थे, रेलवे ट्रैक पर कट गए, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। मजदूर को आने के लिए ट्रेन नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि एनडीए नेताओं ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने के मामले पे पहले तेजस्वी का मजाक उड़ाया और आज 19 लाख लोगों को खुद रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो एक बात साफ है कि हमलावर हो रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी और नीतीश कुमार पर। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में 10 नवंबर को रिजल्ट आने हैं, कौन जीत दर्ज करवा पाता है, ये देखने वाला बात होगा। फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।